Hi, we are at Lokotsav 2023, and 2023 is actually 23 years of the Utsav. This happens in South Goa, Kankon, or Kanakona, like some of you say. I'm here from Vigor, and we're here at the southernmost tip of Goa, exploring a 23-year-old festival. And I'm with the Honorable Speaker of Goa Legislative Assembly, Shri Ramesh Savarkar. His Adarsh Yuva Sangh has been coordinating and organizing this festival for 23 years. Sir, maine suna hai ye festival pichle 23 saal se 500 se aaj 2 lakh logo tak aaya hai. Kaise isme log to bade hi hain aur kya kya fark aaya hai sir itne waqt se? Ispe 500 se 2 lakh tak log abhi aa rahe hain. Ji. Iske mein ek badi soch thi. Ji. Ye Adarsh Yuva Sangh ki sthapana 1995 और वहाँ इस इलाके के एक पूरी जी परिस्थिति बुरी हालत थी, यानी पूरा इलाका ट्राइबल इलाका है, रोड नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी कम नहीं थी और पानी की समस्या और बहुत समस्याओं की समस्या थी। इसी हालत में 92-93 में मैं सबसे यहाँ का पहला ग्रेजुएट था। एजुकेशन की क्या कैसी थी इसके बारे में एक सोच करके हमने तय किया कि इसको कुछ करना है। इसलिए पहले हमने आदर्श युवा संघ की स्थापना 95 में की, लेकिन जिन लोगों के पास हम लोग जाते थे, लोग हमें कितना रिस्पॉन्स नहीं देते, हमारे सोच हमारे विचार उनके पास साथ रखते थे, लोग सुनते नहीं, उनको ये क्या करेंगे बच्चे लोग, ऐसे उनके शायद उनके दिमाग में ऐसा हो। बाद में हमने ऐसा ही प्रयास करता रहा। 5 साल के बाद हमने सोचा कि एक एक सामाजिक विषय हम ही क्यों नहीं बना के हमें प्रस्तुत करेंगे, यानी पथनाट के माध्यम से व्यसन मुक्ति के आधार पर कि उसके बारे में जागृति करना, एजुकेशन के बारे में जागृति करना, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ का सोशल स्ट्रक्चर, इसके बारे में हम पथनाट बनाते थे। वो हमने पहला जो हमने कोचिंग कल्पना की, लोग हमारे सुने, ये जो कुछ हम लोग बताना चाहते थे एक एक को बता के क्या कर सकता है, समझ आएगा, बहुत समझ आएगा। इसलिए हमने लोकोत्सव यानी यहाँ के फोक नृत्य, यहाँ की जड़ी बूटी, यहाँ की रहन सहन, यहाँ जिस तरह से लोग पुराने ज़माने जो वस्तुएँ बनाती थी उनको इधर बुलाना, उनको जिस तरह से खान पान की व्यवस्था, उनके थोड़ा सा पैसा देके उनको बुलाते और हम क्या करना चाहते हैं उनका विचार उनके सामने रखने का हमने प्रयास किया था। पहले लोकोत्सव में 500 ही लोग थे, इसके दूसरे लोकोत्सव में 1000 लोग, 2000 लोग, अभी तो 2 लाख से ज़्यादा लोग आने लगे। यहाँ तो बहुत कष्ट है, हमें बीच में पॉलिटिकल लोगों का भी नज़र हम पर थी जी, हमारे कार्यकर्ता को उनको शायद हमसे दूर करना ये भी करते थे। इसी हालत में किसी हालत में हमने सोचा था, यानी आदर्श युवक संघ की स्थापना का और लोकोत्सव संकल्प का एक फादर मैं हूँ, किसी तरह से वो रुकना नहीं चाहिए। इसी से हमने सब लोग जो कुछ 5-10 कार्यकर्ता थे, पहले तो हम बड़े बहुत कार्यकर्ता थे, बीच में इसी पॉलिटिकल लोगों ने हमारे कार्य को चुराया, हमसे दूर कर दिया। बाद में हमने 5-5, 10-10 कार्यकर्ता करके बाद में मुझे भी एक पॉलिटिक्स में आने का मौका मिला। 2005 में मैं पहला मेरे बन गया, इसके दौरान लोग बढ़ते गए। आज किसी को हमसे झगड़ने की या हम ये बेचारे को दूर करने की किसी को हिम्मत नहीं। सर एक मला थोडी मराठी येते तर मी थोडं मिक्स बोलते हिंदी आणि मराठीमध्ये, एक खूप असा एक चांगला मिक्स केला आहे फेस्टच्या कल्चरच्या आर्टच्या, आणि मी बघितले यूथ एम्पॉवरमेंट वुमेन एम्पॉवरमेंट ह्यांच्या पण एक वेगळं मिक्स आहे। म्हणजे काय असं नाही की करिअर काउन्सिलिंगमध्ये काय बोर होणार, एका ठिकाणी असे हे ट्रायबल ते डान्स चालू आहेत, अँड ऐसा नहीं है कि एक ही जगह का, मैंने कल त्रिपुरा का एक डांस देखा, आज कुछ और भी इस तरह से अलग अलग स्टेट्स से, मुझे सर मैंने से सुना 18 स्टेट्स हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, तो इतना बड़ा कल्चरल मिक्स ये कब से शुरू हुआ और
ये आपके ऑब्जेक्टिव्स के साथ कैसे अलाइन करता है? नहीं, क्या क्या हो गया, हम लोग पिछले 2-3 साल से हम लोग कानपुर का एक विजन हमने तय किया जी, एक डेवलपमेंट का विजन तय किया, एजुकेशन संतन का विजन किया है, कल्चरल सांस्कृतिक और संस्कृति को संभालने का हमने एक सोचा है। इसमें लोगों को नया नया चाहिए जी, यदि दूसरे स्टेट के लोग आए तो उनका कल्चरल एक्सचेंज गोवा का सब लोगों को पता है, सही है, और वो तो थोड़ा सा गोवा का भी हम पॉलिश करके उनके लोगों के सामने रखने का प्रयास करते हैं, और बाद में अन्य स्टेट की, मैं पिछले साल तो 14 स्टेट आई जी, अलग अलग लोगों को एक मजा आता है और इतने लोग एक कॉमन डिसीजन लेते हैं वो सही है, वो सही। एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जो हम लोग आगे चलकर काम करना चाहते हैं उसका एक पॉजिटिव वाइब्रेशन है, वो पॉजिटिव वाइब्रेशन तैयार करने के लिए हम लोग इस तरह के माहौल यानी कार्यकर्ता और लोगों को बीच में पॉजिटिव वाइब्रेशन आने के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। कहीं एक आई नो 500 से 2 लाख लोग आए हैं, पर हम सब जितने जो लोग हैं जो यहाँ बाहर से आए हैं और जो यहाँ के नेटिव हैं इंक्लूडेड, मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे एक बहुत बड़ी शादी हो रही है, एंड आपकी फैमिली, आपकी टीम, सब लोग इतना सबका इतना ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं, सबका, चाहे वो मैं हूँ, चाहे मीडिया वाले हो, चाहे लोग हो जो भी आके आपसे मिल रहे हैं, आप लोग सब ये मेंटेन कैसे कर पा रहे हैं सर? क्या है, इतने साल से हमें आदत बन गई है जी कि यहाँ आने वाला हर आदमी हमसे प्यार से है, राइट, कि किसी को हम लोग ट्रांसपोर्टेशन नहीं देते हैं, किसी को कुछ नहीं देते हैं, फिर भी रमेश तेवरकर ने बुलाया है और इस लोग को सुखाना है और प्यार से है, और इस प्यार से आते वक्त उन्होंने उनसे हमें ताकत मिलती है, जो हम सोच यदि इधर लोग ही नहीं आए तो हमारा पॉजिटिव वाइब्रेशन कहाँ से हो जाएगा, या हर गोवा से, गोवा के बाहर के सब लोग हमारे मेहमान हैं, और मेहमान को जैसे जिस तरह से अपने घर का एक शादी का कार्यक्रम होता है, एक फेस्टिवल होता है, हम लोग जिस तरह की व्यवहार करते हैं इसी तरह से हम समझते हैं, हम सोचते हैं कि वो हमारा एक घर का और अपना कार्यक्रम है, वो वैसी वॉर्म्थ फील होती है सर, आई मस्ट से दैट, और उसको शायद मतलब क्रिएट कर पाना बहुत मुश्किल है, वो नेचुरली आती है अंदर से। अच्छा, बिफोर आई गेट टू अदर क्वेश्चंस, मुझे कुछ रिकमेंडेशन दीजिए कि मैं यहाँ क्या खाऊं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो यहाँ आई सी बहुत सारी फूड आइटम्स, बहुत सारी एग्रीकल्चरल चीज़ें, बहुत कुछ खास रखा गया है, तो आप मुझे कुछ बताएंगे क्या खाऊं, क्या देखूं? क्या है कि हमारे यहाँ के गांव के लोग जी 100 साल से अधिक ज़्यादा जीते थे जी, अच्छा, मुझे लाइफ स्पैन जो है बहुत बड़ा था। आपके यहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स देखिए ना सर, हमारे यहाँ की देखिए और आपके यहाँ की देखिए, बहुत फर्क है। क्या उसका एक फूड हैबिट था, यहाँ तो नेचुरल ऑर्गेनिक फूड हैबिट था, राइट, किसी में भी मिक्सचर नहीं था, और चाहे तो हम तो कंदमूल कहते हैं उनको भी देखते हैं, वहाँ जिस तरह से उनका कोई ये यानी शरीर को कि कोई पॉइजन नहीं आता, इस तरह से खाना था हमारा पुराना जो था, यानी जंगल की सब्जियां लोग खाते थे, राइट, तो लोग वहाँ के पैदा करते थे, यानी एक अच्छा फूड हैबिट था, फूड स्ट्रक्चर था, वो ही खाते थे। आज हमने इस फेस्टिवल में यानी आज तो पिज़्ज़ा के बारे में बच्चे गए थे, यहाँ का गाँव का जो अलग अलग का पिज्जा बहुत बढ़ता, आज के जमाने किसी को पता ही नहीं आपके यहाँ का भी पिज्जा होता था, यानी नाम बदल गया अपना, हमारा पिज्जा था, अच्छा, यानी इसके लिए वो फूड आइटम्स लोगों के सामने आने के लिए, लोग खाने के लिए बहुत सारे आते हैं। आपने यहाँ पे काफ़ी आई एम श्योर पर्सनली खुद भी अटेंड किए होंगे सारे प्रोग्राम्स, चाहे एक साइड पे मैं देख रही हूँ फिट इंडिया वीक से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स हो रहे हैं, एक साइड भगवान बिरसा मुंडा से हो रहे हैं, और भी इस तरह के ट्राइबल डांसेस हो रहे हैं, कहीं कहीं प्रार्थना सेशंस हो रहे हैं, करियर काउंसलिंग के सेशंस हो रहे हैं, लोगों ने एग्जीबिशंस लगाई हैं,
आपका सबसे फेवरेट कौन सा है? अपने बच्चों में से फेवरेट चुनना मुश्किल है, आई नो, पर फिर भी क्या फेवरेट नहीं, मैं हर आइटम को, हर चीज को मैं मेरे लाइफ में जुड़ी था। मैं तो बेसिकली प्लेयर था, मैं फिजिकल एक्सीडेंट प्लेयर था, मैं स्पोर्ट्स प्लेयर बन गया, इसलिए हमने इंडिजिनियस के गेम को, स्पोर्ट्स को हमने एक ऊंचाई देने के लिए मैंने पहले किया, और वो पिछले 10-15 साल से वो चल रहा है। और यहाँ से ही परसों हमारा एक सांगे का, नेत्रावली का एक प्लेयर नेशनल गेम में फंसा है, उन्होंने मेंशन किया कि हमारे लोकोत्सव में मेरी हिडन टैलेंट पहचान ली। एक पहले लुसुफ ने एक इंटरनेशनल गेम थी हो गई थी, उसका भी एक दो प्लेयर सेलेक्ट यहाँ से हुई थी नेशनल। उसका फ़ायदा नेशनल को इंटरनेशनल प्लेयर बनाने में भी और आइडेंटिफाई करने का में भी हो गया, क्योंकि यही हिडन टैलेंट है इन लोगों के बीच में, यहीं से ही वो नेशनल स्पॉटलाइट लेता है। एंड इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स हमने देखा है कि बहुत सारी अलग अलग तरह की स्पोर्ट्स को वो स्पॉटलाइट मिले, जैसे एक टाइम पे शायद मे बी क्रिकेट या हॉकी हुआ करता था, अब धीरे धीरे नेशनल लेवल पर एंड इंटरनेशनल लेवल पर हम बहुत सारी गेम्स को रिप्रेजेंट करने लगे हैं। तो दैट आई थिंक शायद आप लोगों पर ही ये डिपेंड करता है कि आप अपने प्लेयर्स को वहाँ तक भेजें। सो आई थिंक दिस इज़ अ गुड इनिशिएटिव सर। आपके कुछ और इनिशिएटिव्स भी हैं जैसे कि श्रमधाम और बाकी कुछ चीज़ें हैं जो आप? बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। श्रमधाम में हमें शुरुआत की कि लास्ट आदमी को घर देने का, जिनके पास घर बनाने की ताकत नहीं है, वो डिजेबल हैं जी, जो आदमी विडोज हैं उनको घर बनाना पॉसिबल नहीं है, राइट, इन लोगों का घर हम कम्युनिटी लेवल पे उनको बना के देना है, और एक इनिशिएटिव। दूसरा इनिशिएटिव हमने ले लिया है कि फार्मर्स को एक ताकत देना है। फार्मर्स पुराने ज़माने की चीज़ों से माध्यम से खेती करता था, उनका थोड़ा सा मुझे आधुनिक नॉलेज दे के और वैली एडिशन में भी उनको सहायता करने के लिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हमने बनानी चाहिए, यानी फूड इंडस्ट्रीज, बाकी सब कुछ हम लोग प्रयास करें जिनके माध्यम से उनको पैसा ही मिल जाएगा जी, और कई प्रकार से रोजगार भी उत्पन्न हो जाए। वो एक दूसरा, हम लोग लोकोत्सव के माध्यम से एक सांस्कृतिक हब, कल्चरल सेंटर, गोवा का, मुझे गोवा का आइडेंटिटी कहाँ है, गोवा का कल्चर कहाँ देखने के मिल जाएगा, इस तरह से इस आदर्श काम को परमानेंट वेन्यू बनाना चाहिए। एंड आई थिंक दैट इज अ गुड थिंग, क्योंकि टूरिज्म के हिसाब से गोवा ऑफ कोर्स हमेशा से ही जाना जाता है नेशनल और इंटरनेशनल टूरिज्म में। धीरे धीरे आई थिंक अब वेलनेस के हिसाब से भी, हेल्थ के हिसाब से भी जाना जा रहा है, और अब आप सांस्कृतिक टूरिज्म तक आ रहे हैं। इन द लास्ट कपल ऑफ डेज आई हैव सीन आपकी कई हस्तियां हैं जो यहां पर हैं, चाहे वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हों, चाहे वो ऑनरेबल स्पीकर हों ऑफ उत्तर प्रदेश, ऑनरेबल स्पीकर ऑफ हरियाणा, इन सब लोगों का क्या फीडबैक है सर जो यहां पर आए हैं? नहीं, यहां तो आकर अभी तक हमने जो काम किया है हमें ताकत देने के लिए, आगे चलकर किसी न किसी की मदद चाहिए जी। आज मैं स्पीकर हूँ और मैं पॉलिटिकल क्षेत्र में हूँ, मेरी एक ताकत है जी, इसको मुख्यमंत्री जोड़ दिया वो भी और एक ताकत बन जाएगी। करेक्ट, दूसरे स्टेट के स्पीकर और दूसरे स्टेट के पॉलिटिशियन जुड़ गए वो भी एक ताकत बन जाएगी। और लास्ट हमारा गोल यानी कानकोन 2030 का विजन और समृद्ध कानको बनाने का जो अभियान है वो हमें पूरा करना है। इसके लिए यहाँ के लोग, यहाँ लोग आए क्या, यानी महाना जी आ गए, उन्हें इस तरह का कार्यक्रम पूरे इंडिया में आज तक मैंने देखा नहीं, इसका कमेंट था। इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहने के लिए हमेशा उन्होंने और उसका ताकत देने के लिए एक निश्चय किया है। और उसके अलावा मुख्यमंत्री हमेशा इस कार्यक्रम में आते हैं, हर बार हमें मदद करते हैं, आगे चल कर भी वो पूरा करने के लिए उनकी मदद चाहिए और देने का एक उन्होंने संकल्प भी किया है। माई लास्ट क्वेश्चन टू यू सर, यहाँ पर हमारे लिए गोवा में आप नेक्स्ट क्या इन्विजन कर रहे हैं पूरे स्टेट के हिसाब से, और क्या देखने को मिलेगा एट अ नेशनल लेवल हमें गोवा की तरफ से? मुझे लगता है कि गोवा एक छोटा राज्य है जी, और गोवा के छोटा राज्य होने के नाते हम सब लोगों ने पॉलिटिकल क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में,
शिक्षा के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र में काम करने सब लोगों की एक टैलेंट गोवा को आगे बढ़ाने के ताकत लगाने के लिए हमें करना चाहिए. करेक्ट. और होना चाहिए. मुझे लगता है कि गोवा एक समृद्ध राज्य होना चाहिए. छोटा राज्य होने के आसान है, यानी उसके आज समय यहाँ गोवा में सत्ता भी हमारी है, केंद्र में भी सरकार हमारी है. इसलिए मुझे लगता है कि वो 100% पॉसिबल हो सकता है. इसके लिए हमें ताकत लगा के सब लोगों ने काम करना. थैंक यू फॉर योर टाइम सर. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू अस. आई होप आपको भी हमारा ये कॉन्वर्जेशन अच्छा लगा हो. लोक उत्सव में इस साल आने की कोशिश करिए, और मुझे लगता है अगर 23 साल किया है तो शायद अगले 20-23 साल सर और ये कर पाएं. प्लीज़ वेलकम टू लोक उत्सव. यू विल फाइंड अ वेरी डिफरेंट वाइब फॉर गोवा हियर. आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर. थैंक यू.